हेलो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो स्टार्टेड द टॉपिक फूड नीड्स एंड वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट पीपल नीड एंड ईट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड ये सब जो है वो अलग अलग अमाउंट का फूड खाते हैं और उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है एंड द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड डिपेंड्स अपॉन एज ऑक्यूपेशन फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन कि कितना खाना कोई कंज्यूम करता है वो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है सेकेंडली वो क्या काम करता है ऑक्यूपेशन फिजिकल एक्टिविटी कितना करता है एंड लास्ट इज जेंडर ऑफ अ पर्सन एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट जो पर्सन जो पीपल हार्ड फिजिकल लेबर करते हैं ज्यादा Uh, मेहनत करते हैं यू कैन से मेहनत जो बॉडी का वर्कआउट जिसे हम कह सकते हैं कि भारी वजन उठाते हैं या बहुत चलते हैं दौड़ते हैं भागते हैं दैट मीन्स हार्ड फिजिकल लेबर जो करते हैं वो ज्यादा खाना खाते हैं एज कंपेयर टू दोज हु वर्क वाइल्ड सिटिंग एट एन इन एन ऑफिस जो ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं उनसे ज्यादा खाना खाते हैं

वो खाते या पीते हैं सो so, बर्थ से फोर मंथ्स की एज तक बेबीज टेक ओनली मिल्क और मिल्क उनकी सारी बॉडी की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर देते हैं एंड देन वी डिस्कस दैट वेन अ चाइल्ड इज नियरली सिक्स मंथ्स ऑफ एज जब सिक्स मंथ्स का हो जाता है चाइल्ड तो ही और शी इज गिवन सॉफ्ट पीसेस ऑफ फ्रूट्स एंड सेमी सॉलिड फूड तो उसको सॉफ्ट पीसेस दिए जाते हैं फ्रूट्स के लाइक uh, बनाना like और उनको सेमी सॉलिड फूड भी देना शुरू कर देते हैं और साथ में मिल्क तो वो पीते ही रहते हैं सो द चाइल्ड कंटिन्यूज टू टेक मिल्क ऑल्सो तो मिल्क के साथ ये चीजें भी उसको देना शुरू कर देते है नाउ द ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन तो ग्रोइंग चिल्ड्रन मीन्स आपकी एज जैसे जो ग्रो कर रहे हैं हाइट ग्रो कर रही है बॉडी ग्रो कर रही है बॉडी के ऑर्गन्स का साइज ग्रो कर रहा है सो ग्रोइंग चिल्ड्रन्स एंड यंग पर्सन नीड टू ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट सो बैलेंस डाइट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ डाइट व्हिच कंटेन्स ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट और जिसमें जिसके लिए बैलेंस डाइट के लिए हमें सारे टाइप की जो आ, चीज़ें होती है वो हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपने डाइट में फॉर एग्जाम्पल राइस वेजिटेबल्स चपाती दाल एंड फ्रूट्स नट्स मिल्क मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड जो ये डोसा इडली उत्पम सांबर ये सारे क्या हैं आपके साउथ इंडियन डिशेज है जो जनरली हम लोग uh, नहीं खाते हैं बट वी मस्ट इंक्लूड दाल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स राइट सो अब डेली राइस uh, भी खाते होंगे वेजिटेबल्स भी खाते होंगे चपातीज भी खाते होंगे दाल भी खाते होंगे राइस के साथ दाल भी खाते होंगे राइट फ्रूट्स भी हम खाते हैं नट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी हम खाते हैं सो so ये सारी चीजें हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए साथ में हम सैलड्स भी खा सकते हैं और ये सारी चीजें अगर हमारी डाइट में होती है प्रॉपर अमाउंट में तो फिर हम इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट और इस डाइट दाए, बैलेंस डाइट खाने से क्या होता है हम हम हमारी बॉडी भी अच्छे से ग्रो करती है हमको डिजीजेस भी नहीं लगती है कोई भी और हमें बॉडी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती सो डू यू नो दैट समटाइम्स वी ईट टू मच दिस इज कॉल्ड ओवर ईटिंग एंड कैन मेक अस फैट एंड ओबीज सो कई बार क्या होता है कि हमें बहुत हमारी पसंद की चीज़ बनती है घर पे या हम जो चीज़ हमें बहुत पसंद होती है वो मम्मा बनाती है तो हम क्या करते हैं ज़्यादा खा लेते हैं टेस्ट के चक्कर में हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं जितना हम खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड ओवर ईटिंग और दिस इज़ नॉट गुड हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है हमारा पेट जिससे भर जाए और खाना कैसा होना चाहिए बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए हमारी और खाना कितना चाहिए जितना हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे और अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो दैट इज नॉट गुड उससे क्या हो सकता है हम लोग फैट fat, फैटी हो सकते हैं और इस मीन्स मोटे हो जाएंगे हम द फैट पर्सनस इज जनरली नॉट अ वेरी एक्टिव एंड और अ हेल्थी पर्सन सो so, जो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं उनको आ, जो है हेल्दी कंसीडर नहीं किया जाता और वो बहुत एक्टिव भी नहीं होते दौड़ भी नहीं सकते हैं जो भी वर्क कर देंगे वो स्लो हो जाते हैं उतना एक्टिवली नहीं वर्क कर पाते सो यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी आल्सो सो वी शुड आल्सो ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर अलोंग विद अ गुड डाइट सो so, एक बैलेंस uh, डाइट लेने के साथ साथ हमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर भी लेना जरूरी है बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस इट हेल्प्स इन डाइजेशन हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है प्रॉपरली हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी में जो हार्मफुल टॉक्सेंस uh, होते हैं उनको भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है so we should also drink proper amount of water along with अ good diet so diet के साथ साथ हमें water भी proper amount में लेना चाहिए because uh, कई बार क्या होता है बच्चे सिर्फ uh, diet तो खाते हैं पर proper amount में water नहीं लेते जिससे कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन uh, होती है और जो उनको और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती है फूड भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है सो यू शुड कीप इट इन माइंड दैट यू शुड ड्रिंक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड इन ओल्ड एज तो ये अभी हमने डिस्कस किया स्मॉल चाइल्ड एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओल्ड एज पीपल जो बुजुर्ग होते हैं ज्यादा एज के पीपल होते हैं उनको कैसा खाना खाना चाहिए सो यू नो एज यू नो दैट ओल्ड पीपल ओल्ड एज पीपल आर नॉट सो एक्टिव जैसे हम uh, हमारे जो यंग uh, पर्सनस होते हैं और ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं दे आर वेरी एक्टिव खेलते हैं कूदते हैं भागते हैं सारे और भी काम करते हैं बट ओल्ड एज पीपल्स आर नॉट सो एक्टिव वो उतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते वो जनरली क्या होते हैं हैवी वर्क और हार्ड फिज़िकल लेबर भी नहीं कर सकते और ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होते सो दे प्रेफर ईजीली डाइजेस्टिबल सिंपल फूड सो उनको क्या है अगर वो हैवी खाना खाएँगे ज़्यादा खाना खाएँगे तो ईजिली वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो Uh, जो है ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं so वो कैसा फूड प्रेफर करते हैं इजिली डाइजेस्टिबल सिंपल फ़ूड वो सिंपल फूड प्रेफर करते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और जिससे खाने से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एन ओल्ड एज पीपल प्रेफर इजिली डाइजेस्टिबल सिंपल फूड एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर ऑफ वन टेक्सट बुक क्वेश्चन that what type of food is preferred by old people so old people prefer easily digestible simple food so we have completed this uh, lesson number 8 and in next video we will discuss the exercises of this lesson thank you